केजरीवाल की नई मुसीबत। दलित मामले में फंसे केजरीवाल, दलित घोषणा पत्र बना गले की फांस। आम आदमी पार्टी की बातों पर एतराज। पंजाब में दलित को उप मुख्यमंत्री बनाने का वादा करके दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने मुसीबत मोल ले ली है। आम आदमी पार्टी पंजाब में पहली ऐसी पार्टी थी जिसने दलित मैनिफेस्टो लागू किया था। अब ये मैनिफेस्टो जी का जंजाल बन गया है आम आदमी पार्टी के लिए। सुनिए जरा क्या कहा था दलित मैनिफेस्टो के वक्त। काशीराम जी का, बाबा साहब अम्बेडकर का यही सपना था, बराबरी का हक तभी मिल सकता है जब निर्णय लेने का अधिकार, जब सत्ता में भागीदारी दलित समाज की होगी। आम आदमी पार्टी डिप्टी चीफ मिनिस्टर अगर पंजाब का दलित समाज से बनाएगी, ये जितना मैनिफेस्टो है उनको और भी बहुत सारी जिम्मेदारियां दी जाएंगी। चुनाव आयोग ने आम आदमी पार्टी के दलित घोषणा पत्र की दो कॉपियां मंगवाई हैं। केजरीवाल ने जालंधर जिले के गोराया में अलग से दलित घोषणा पत्र जारी किया था जिसमें उन्होंने दलित समुदाय से उप मुख्यमंत्री बनाने का वादा किया था। इसके अलावा उन्होंने पंजाब में दलितों के खिलाफ हुए अत्याचार की जांच के लिए एक विशेष जांच दल भी बनाने की बात कही थी जो पिछले 10 साल के सभी मामलों की जांच करेगा। सूत्रों के मुताबिक चुनाव आयोग को आम आदमी पार्टी की कुछ बातों पर एतराज है। चुनाव आयोग को इस मैनिफेस्टो के किस वादे पर एतराज है, इस पर चुनाव अधिकारी अभी कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है। अगले साल पंजाब में विधानसभा चुनाव होने हैं, ऐसे में ये केजरीवाल के लिए पंजाब में मुश्किलें बढ़ा सकता है। NMF न्यूज की रिपोर्ट।